نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فانساهم انفسهم एक होम उल्फा सदक अल्लाह काबिल अहतराम माएँ बहनें बेटियाँ बहुएँ बच्चियाँ और हमारे साथी दुनिया की ज़िंदगी को अल्लाह ताला ने बहुत मख्तसर बनाया है और हर एक को दुनिया से जाना है ये यकीनी है कि मौत का आना ये यकीनी है इसमें कोई शक नहीं लेकिन दुनिया की जेब वज़ीनत ऐसी है कि आदमी मौत को भुलाए रहता है या लमो नज़ाहमन हयाती दुनिया वह माने आखरत मुगाफिलो और मौत के दुनिया की जेब वनत को लोग देखते हैं और आखरत से गाफ़िल हैं क्यों कि दुनिया के जब वनत दिखाई देती है माल दिखाई देता है फलट दिखाई देता है जेवर दिखाई देते हैं कि पैसे दिखाई देते हैं नोटें दिखाई देती हैं तो आदमी उसके पीछे भागता है और जो यकीनी चीज़ है वो दिखाई नहीं देती जैसे मौत मरने के बाद के मनाजिर वो दिखाई नहीं देते तो आदमी उससे काफिल रहता है उसे पता ही नहीं कि मैं कहाँ जा रहा हूँ फिर अचानक मौत का फरिश्ता आप आकर पकड़ लेता है मौत जो है हमेशा अचानक आती है कह के नहीं आती क्यों कल पाँच आगे आवीस तैयारी रख जो ये नहीं है वो अचानक आके आदमी को लेके चल देती है कुल नफसंदा कतुलमौत सिर्फ नबियों के लिए यह है कि इजाज़त लेकर मलकुल मौत आते हैं इजाज़त है कि नहीं ये बताओ आप कहें तो आपको ले जा आप ना कहें तो कोई बात नहीं रहे हाँ तो आदमी जो है अपने आखिरत की फ़िक्र करे और अच्छे अमाल करे अच्छे अमाल करेगा तो उसकी ज़िंदगी भी अच्छी और मौत भी अच्छी ज़िंदगी भी बरकत मौत में बरकत भला आदमी है भली औरत है दीनदार औरत दीनदार मर्द कि सूरत की औरतें दीनदार होनी चाहिए धमाल वाली नहीं कि हमारे यहाँ सूरत में औरतें जो है वो धमाल वाली हैं टन टंटन समझे आप लोग बस जितना पैसा आता है अफवा दो आने शादी इसने शादी में पाँच लाख खर्च किया मेरी बेटी की शादी में दस लाख होना चाहिए ये धमाल क्या इसने वाली में पाँच सौ को बुलाया तो मैं हजार को बुलाऊंगी ये धमाल हालांकि शादियाँ बहुत सीधी शादी होती थी हमारी शरीयत में शादी एक ज़रूरत की चीज़ है निकाह मर्द की भी ज़रूरत है औरत की भी ज़रूरत है अल्लाह ने ज़रूरत रखी है इंसान के अंदर तो ज़रूरत पूरा करने का तरीक़ा भी बहुत आसान किया है शरीयत ने जो चीज़ जितनी ज़्यादा ज़रूरी होती है वो उतना ही आसान होती है पानी उसके बगैर नहीं रह सकता आदमी तो अल्लाह ताला ने जो है पानी को बहुत आसान कर दिया नहरें बना दी समंदर बन गए बड़े बड़े दरिया बन गए बड़े बड़े चश्मे बन गए बना दिए अल्लाह ने जाओ यहाँ से पानी आ रहा है यहाँ से पानी आ रहा नल में पानी आता है आदमी पानी पीता है यही मामला है निकाह का इसलिए ने लिखा है कि जिस निकाह के अंदर ज़्यादा ज़्यादा खर्चा होगा तो अल्लाह उससे राज़ी नहीं होता आज हमारे यहाँ सूरत में निकाह में कितने खर्चे होते हैं मैं सूरत का दामाद तो हूँ नहीं लेकिन दुनिया का दामाद हूँ सारी दुनिया का दामाद तो मतलब सारी दुनिया में जहाँ जहाँ वहाँ दामाद का जितना इकराम होता है उससे ज्यादा अल्हम्दुलिल्लाह मेरा इकराम होता है लोग सबक सुनते हैं लोग बात मानते हैं इसलिए मैं आपका अपने आप को जग दामाद कहता हूँ सब जगह का पता चलता है कि कहाँ क्या हो रहा इसलिए आज का सबक आप लोगों का ये है कि अल्लाह ने माल के दहाने सूरत पर खोले हैं सूरत को अल्लाह ताला ने माल के दहाने खोले हैं सूरत पर अल्लाह ताला ने तो ये अल्लाह का इनाम है इसे इनाम समझना और एक कस्म का इम्तिहान भी है पकड़ने के लिए भी अल्लाह देता है और जो है खुश होकर भी अल्लाह देता है फजूल खर्ची नहीं कपड़ों में भी फ़जूल खर्ची नहीं मोबाइल में फ़ूल खर्ची नहीं शादियों में फजूल खर्ची नहीं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादियाँ हुईं हुजूलम के बेटियों की शादियाँ हुई सीधे सादे तरीक़े पर सीधे सहाबा की शादियाँ तो चलते चलते निकाह हो जाते थे चलते चलते किस्से आते हैं हदीसों है के अंदर तो मैं बात समझाना चाहता हूँ कि अपनी ज़िंदगी देखो अल्लाह तुम्हें बहुत माल देगा अभी और देगा अब मेरे ये याद रखना जितना है ना भी आपके पास माशाल्लाह बंगले बन रहे कारें आ रही अच्छे अच्छे जेवरात आ रहे अल्लाह ताला आफियत के साथ मैं कहता हूँ और दे आपको और हलाल दे खुश होकर दे पकड़ने के लिए ना दे खुश होकर जैसे घर का मालिक पोपट को और तोते को रोजे देता है खुश होकर दिल बहलाने के लिए देता है एक जगह हम गए तो उसने कहा मानना पाँच लाख पाँच लाख पाउंड न पोपट से और उसका है हैं पाँच लाख पाउंड अब इंडिया के हिसाब लगा लो तो अशरफ भाई लगाएंगे इंडिया के हिसाब हिसाब किताब उनको ही आता है हमको तो आता नहीं हिसाब किताब तो अब बताओ कि ये जो खाना खिलाता है इसको तो अपने बेटे का खाने का इतना ख्याल नहीं रखता जितना उस पोपट का ख्याल रखता है रात को दो बजे मेजबान मिस, था हमारा हम जैसे तो दो बजे उठा और उसको कुछ खिला रहे क्या मौलाना दवा आप पूछू डॉक्टर ने कहू है कि रातें बेवागे दवा आप पानी ऐने आपने पचे आठ वागे आप पानी अपने बेटे का इतना फिक्र नहीं करता जितना उसका फिक्र करता है वो खुश होकर कर रहा है तो रोजे अल्लाह ताला जो देता है कभी राजी हो देता है कभी नाराज होके देता है राज़ी होकर देता है जैसे पपट वाली मिसाल खुश होकर उसका इकराम होता है मैंने पैसा खर्च किया है मेरे घर में है मुझे इससे प्यार है हर कस्म का ख्याल रखेगा और चूहे को भी अल्लाह घर वाला रोजे देता है भाई चूहा जब घर में परेशान करे तो पिंजरा लाते नहीं लाते उसमें घी वाली रोटी, रोटी लटकाते हैं लेकिन नाराज़ होकर तो रोजे देना दो किस्म का है राजी होकर नाराज होकर और दोनों चीज़ें अल्लाह ने कुरान में बयान की है तो हम सिर्फ इतना सोचे कि हम चूहे वाली खा रहे हैं या पोपट वाली खा रहे हैं चूहे वाली खा रहे हैं या तोते वाली खा रहे हैं ये देखना है इसलिए फजूल खर्चियों से बचो और अपने दिलों को साफ रखो एक बहुत अहम बात कहता हूं आज हमारी दुआएं कबूल क्यों नहीं होती आज हमारा हालात क्यों नहीं बदलते सवाल है वजह क्या है क्या हमारे दिलों में गंद भरा हुआ है रजाइल हसद कीना बोग कपट ये कैंसर है रूहानी कैंसर इसे कहते हैं उसकी वजह से दुआएं कबूल नहीं होती अगर दुआएं कबूल करा ली हैं अपना दिल साफ करो घर के अंदर सास है बहू है बहू के दिल के अंदर सास के बारे में कुछ और सास के दिल के अंदर बहू के बारे में कुछ शोहर के दिल में बीवी के बारे में कुछ और बीवी के दिल में शोहर के बारे में कुछ बदगुमानियाँ ये चीज़ इससे अल्लाह की मदद नहीं आती ये जितने भी घरेलू झगड़े हैं और ज़्यादातर मैं समझता हूँ कि हमारे माहौल में ज़्यादा ये चीज़ें हैं उसकी वजह ही ये है कि हमारे दिल साफ़ नहीं और मैं बहुत आसान मिसाल देता हूँ बहुत आसान मिसाल अपने कपड़े के ऊपर मामूली गंदगी लगी हुई है आप एक किलो ऊट डालो एक किलो गुलाब डालो एक किलो मजमो डालो एक किलो शमामा डालो लेकिन गंदगी ही गालिब रहेगी हाँ आप उसको पाक कर दो साफ़ कर दो धो दो और उस पर एक कतरा गुलाब का डालो चमक जाएगा तो हमारे दिल के अंदर हसद कीना ये सारी बदगुमानियाँ ये सारी जो भरी हुई हैं तब तो जितने भी नमाजें पढ़ो नकियाँ मिलेगी नकियाँ मिलना अलग चीज़ है कबूल होना अलग चीज़ है फ़र्क है दोनों में नकिया मिलना तो हमारे शरीर में बहुत आसान है एक दुआ आती हैदी शरीफ में कोई बंदा और बंदी जब पढ़ लेते हैं तो दुनिया भर में जितने मुसलमान मर्द और औरतें हैं उन सब के बराबर अल्लाह उन्हें नकिया देता है मैं पढ़ा रहा हूँ आप पढ़ लो रबिरली वल वालिदया वल मुमिनीना यौमा हिसाब माए बहले जो अयम में है वो भी पढ़ सकती हैं इसे क्यों कि ये दुआ है मैं तिलावत नहीं करवा रहा आपको तिलावत करना मना है मैं दुआ पढ़वा रहा हूँ फिर से एक मरतबा पढ़ लो रबा नगफिरली वल वालिदया वल मीन यौमा हिसाब ये थ्री इन वन है इसमें अपने लिए भी माफ़ी है सारे मोमिन के लिए भी माफ़ी है और माँ बाप के लिए भी माफ़ी है इसके लिए इसका नाम रखा है मैंने थ्री इन वन एक ने दुआ पढ़ लो लेकिन फ़ायदा कितना है इसका हदीस शरीफ में आता है जो ये दुआ पढ़ ले तो दुनिया में जितने मुसलमान मर्द और औरतें होंगी उन सब के बराबर अल्लाह उसे नेकियां देगा मैंने पढ़ी आपने पढ़ी बच्चियों ने पढ़ी बेटियों ने पढ़ी माओं ने पढ़ी बहनों ने पढ़ी बहू ने पढ़ी सब के अकाउंट में नहीं किया आ गई यकीनी, हंड्रेड परसेंट यकीनी, कल ने क्या मिलेगी परसों मिलेंगी जरा सोचेंगे इस, इसमें ऐसा नहीं है आपने पढ़ा क्या आपके अकाउंट में आएगी फा, इतना फास्ट नेटवर्क है अल्लाह का तो निकके कमाना आसान है निके कबूल कराना मुश्किल है कबूल कहाँ होगा इन नमा तकबल्बनमत तकवे वालों का हम कबूल करते अपने दिल में तकवा अपनी ज़िंदगी में तकवा लाओ अल्लाह तलब सलीम मांगो ए सूरत की बहनों बेटियों अल्लाह ताला से तलब सलीम मांगो कि अल्लाह तो हमें कल्ब सलीम दे कल में सलीम का मतलब यह है बेदाग दिल उस पर अल्लाह तला नवाजता है किसी जमाने में औरतें बेदाग दिल वाली होती थी औरतें थी भाई वो औरतें आपके जैसी थी वो भी बच्चे जनती थी वो भी घर का काम करती थी ये नहीं कहा अकेले काम करती हो आज तो काम वालिया है मौजूद हैं घरों में माशाला और सूरत में तो कुछ ज़्यादा ही है समझे ना वहाँ तो काम वाली भी नहीं होती थी बेदाग दिल वो माएँ वो औरतें दुआ के लिए हाथ उठाती थी और दुआ के लिए हाथ उठाती थी अभी उस जुबान से कहा भी नहीं है दिल में है ये कहना है और अल्लाह क्या कहता था कबूल किया कबूल किया कबूल किया मत कह मत कह मत कह तेरे दिल के सादा में जानता हूँ तेरे दिल में जो है मैं जानता हूँ इसलिए अल्लाह ताला से चुपके चुपके कल्ब सलीम मांगो ये कुरान का जुमला है इल्ला इला मना तोल्ला सलीम अल्लाह तू मुझे कल्ब सलीम अता कर फिर वो औरत जो बच्चे जनेगी आज तो अल्लाह माफ़ करे अब तो वो औरतें चली गई उनका हो गया आजकल की औरतें तो शेखोल हदीस भी पैदा नहीं करती किसी ज़माने में औरतें जो है शेख व लदीस पैदा कर आजकल तो डॉक्टर बनने का शौक़ है मौलाना दुआ करो मारो छोकरो जैसे ना डॉक्टर बने जाए पायलट बने जाए अरे भाई बहुत अच्छा है भाई लेकिन ये भी तो दुआ करा कि मेरे बच्चा मेरा बेटा दीनदार बन जाती ये भी तो है अब ये भी तो दुआ करवाइए भाई पायलट बने कोई हरिश की बात नहीं है हमारे वाले साहब रहमतुल्लाह आ फरमाते थे कि डॉक्टर का बनना हराम नहीं और पायलट बनना हराम नहीं और बुखारी शरीफ का पढ़ना फ़र्ज़ है नहीं कि बुखारी शरीफ पढ़ो तो नहीं। 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 कि फ़र्ज़ ऐन है करना किसे मध्य मदरसे के अंदर जाकर बुखारी शरीफ पढ़ाओ फ़र्ज़ है है करना कि डॉक्टर बनना योगा हराम नहीं पायलट बनना योग हराम नहीं और बुखारी शरीफ पढ़ना पढ़ाना फ़र्ज़ है नहीं लेकिन दोनों का दीनदार बनना फर्ज है नहीं दीनदारी अपने घरों में दीनदारी लाओ अल्लाह से मांगो अल्लाह देगा फिर ऐसे ऐसे बच्चे पैदा होंगे सलाहुद्दीन अईवी जैसे कि जिन्होंने काम किया हाँ नूरुद्दीन जंगी जैसे उसकी माँ ने कहा था कि नूरुद्दीन जंगी बेटा मैं मेरा दूध माफ़ नहीं करूँगी बस मेरी ख्वाहिश यह है कि तो तुबेमुमुक़दस फतह कर ये नूरुद्दीन जंगी से कहा था और मैं रोज़ाना सुर अखलास का वजीफा करके तेरे लिए दुआ करती हूँ ये नूरुद्दीन जंगी खैर उन्होंने वादा किया माँ के साथ लेकिन चल नहीं सके उम्र ने वफ़ा नहीं की इंतकाल हो गया उनका तो सलादीन अयीबी ने काम लिया तो सलाउद्दीन अन की माँ भी कहती थी एक छात्र जब बेतुलमकदस फतेह हुआ तो सलाउे ये भी कि माँ ने कहा एक छाती का दूध माफ़ किया है कि तूने बेतुलमुदस फतेह किया दूसरी छाती का माफ़ नहीं किया मेरी ख्वाहिश है क्या ख्वाहिश है अम्मा आपकी ये है कि अब ऐसा काम करके कयामत तक हमारे हाथ में रहे ऐसा ऐसा निज़ाम बना अम्मा ये तो मैं नहीं कर सकता जितना मुझे ताकत थी उतना किया मैंने ये काजा दोनों छाती का दूध माफ कर दिया ये माए थी अल्लाह माफ करे आजकल कल रातें छोटी हैं तो सुबह सुबह स्कूल जाने के लिए बच्चों को माए जगाएंगी फजर की नमाज के लिए नहीं जगाएगी स्कूल जाने के लिए बराबर टाइम पर टन टन कर सात वागे बस आपसे साथ वागे रक्षा वालों आपसे तैयार था तू फजर की नमाज के लिए नहीं इसका मतलब कि उसको हमारे जहनों में मुकदम है फजर की नमाज़ मुकदम नहीं है हालाँकि फजर की नमाज तो फर्ज है नहीं इसलिए अपने मिजाज को बदलो मैं कहता हूँ मिजाज बदलो दीन मिजाज बाओ फिर अल्लाह आपको मकाम देगा कि आप सिर्फ जहाँ देखोगी अल्लाह वहाँ हिदायत फैला देगा किस ज़माने में औरतें ऐसी गुज़री हैं आलमारी भी गुज़री हैं दीनदार भी गुज़री हैं और बड़े बड़े काम किए हैं बड़े बड़े काम कारनामे जैसे कहते हैं बड़े बड़े कारनामे किए इसलिए सर अखलास का वजीफा भी मैं आपको दूंगा, जो सलभ सालाहत करती थी वो सुर अखलास का वजीफा भी मैं हदिया दूंगा आप लोगों को बहुत आसान है जितनी माए बहले हैं उन सबको मेरी तरफ से मैं एक हदिया देता हूँ उस हदिया का नाम है जानदार शानदार मालदार दीनदार और ये मेरी तस्वीर है इसका भी नाम है जानदार शानदार मालदार दीनदार अब तस्वीर तो मैं सबको दे नहीं सकता लेकिन जहाँ जिस घर में कयाम करता हूँ या जहाँ जो मेरा मेजबान होता है मैं उसको दे देता हूँ ये ले भी जानदार शानदार मालदार दीनदार ले मैं हमेशा एक दुआ करता हूँ अल्लाह ताला से इसलिए कहते तो हमारे सबक सुनने वाले बहुत हो गए ना आपके सूरत में भी आ जाते होंगे माशा ग्रुप में ये हर आदमी बुलाते हैं अपने घर में तो मैंने अल्लाह ताला से दुआ मांगी ए अल्लाह जो तेरा बंदा और बंदी तुझे पसंद हो उसके घर में मुझे ले जा और उसके घर का पानी मुझे पिला तो अल्लाह ऐसा निज़ाम बनाता है असबाब बनाता है अलग बुढ़ापे में सफ़र करना इतना आसान नहीं है लेकिन ये सूरत का जो सफ़र हुआ ये सफर सफ़र ऐसे हुआ कि मस्जिद नबी में बैठा हुआ था और ये लोग आए मेरे पास मैम सूरत की दावत देते हैं आपको आप सूरत आओ मैंने कहा भाई अब तो बुढ़ापे ने डेरा डाल डाल दिया जाना आना कारों में बैठना ट्रेनों में बैठना उतरना ये इतनी हिम्मत नहीं है जाना कहने दो नहीं, दो मरतबा तीन मरतबा ये मस्जिद नब्बी में आए दावत देने के लिए अचानक मुझे इलाह हुआ कि ये सूरत वाले नहीं, नहीं बुला रहे हुजूर दावत दे रहे ये शेख ने लिखा है ना हसर शख्द रम्तु ला ने कि मदीना मनवरा में कोई मेरी दावत करे तो इनकार करते हुए बहुत डर लगता है कि मदीना मनवरा में कोई दावत करे तो इनकार करते हुए क्योंकि हजू सल वसम की तरफ से होती है ईश में लिखा है तो अल्लाह ने डाला उसके दिल में नबी के शहर में जो है तो दावत दे रहा हो तो नबी के शहर में मस्जिद नबी में ही आए मदिला में नहीं मस्जिद नबी में इफ्तार के वक्त में भाई हमारे सूरत के क्या दावत कबूल करो तो अचानक मुझे ये हुआ कि भाई ये हज़र की तरफ से दावत है ये ये इशारा है कि सफ़र करो अब कैसे सफ़र करें वाल की तबीयत ख़राब है आज कल आज कल, का वालदा का जब इंतकाल हो गया अल्लाह उनके कब्र को नूर नुरसुमनवर फरमाए उनके दर्जात को बलन फरमाए करवटो आराम नसीब करे आप सबसे ईसार सवाब की भी दरख्वास्त करता हूँ कि भी उनके लिए ईसार सवाब करें मुझ पर एहसान होगा आप लोगों का फिर मैंने सफ़र थोड़ा मुख्तसर मुख्तर तय किए वरना अमरीका इंग्लैंड फ्रांस और तुम्हारा माप बार इतने तकाज़े हैं मैंने कहा अब हिम्मत नहीं भाई लेकिन ये करीब करीब कहें मैंने कहा कर सफ़र करो तुम तो अल्लाह तो ताला ने दिल में डाला तो फिर ये सफ़र हमने किया यहाँ काफ़ी सालों के बाद आना हुआ इसलिए आपका सुर अखलास का वजीफ़ा देता हूँ जो नूरुद्दीन जंगी की माँ करती थी सलाहुद्दीन ये भी की माँ करती थी सलभ सालेहात का मामूल था सूरत वालियाँ भी सलफ़ सलहत सालेहात जैसे बने और वो क्या है बदरीन की तादाद है तीन सौ तेरह बदर में जाने वाले जो थे वो तीन सौ तेरह थे तो तीन सौ तेरह के अदद में अल्लाह ताला ने करंट रखा है तीन सौ पंद्रह भी लिखे हैं ओलम 320 तीन सौ बीस भी लिखे हैं लेकिन मैंने मेरी किताब जो नई छब्बीस सूरतें आई हैं अभी उसमें तीन सौ तेरह नकल किया है और जो बुखारी की रिवायतें हैं ये है वो मैंने कहा तीन सौ तेरह तो 313 सौ तेरह मरतबा रोज़ाना सुर अखलास पढ़ने की आदत डाल दो बस फिर देखो कैसा मज़ा आता है फिर देखो आपकी दुआएं कैसे कबूल होती हैं तीन सौ तेरह थ्री वन थ्री सुर अखलास कोल्हो अल्लाद अल्लामुल्लाउ कफन हाथ चाय बनाते बनाते खाना पकाते पकाते ये पढ़ो दस मरतबा सुर अखलास पढ़ो जन्नत में एक महल तैयार होता है ये सही है दूसरे में आता है कि दस मरतबा कोई सुर अखलास पढ़े तो जन्नत में एक बंगला बिल्कुल रेडी मेड ये नहीं कि बिल्डर लेकर भाग गया उसने मोबाइल बंद कर दिया अब पता नहीं कब मिलेगा कहाँ मिलेगा अरे क्या गये हो बोलो पैसा ले गयो तो गयो वो नहीं आपने यहाँ पढ़ा और वहाँ आपकी प्रॉपर्टी तैयार आपने पढ़ा पढ़ते ही प्रॉपर्टी तैयार तो मैं अपने साथियों को अपने मुरीदों को मुरीदनों को मैं इतनी बात कहता हूँ जन्नत में प्रॉपर्टी तैयार करो सूरत में तो बहुत प्रॉपर्टी बना ली दुकान भी बना ली फ्लैट भी बना लिए बंगले बना लिए किराए भी आ रहे हैं अलहमदिल्ला एवरीथिंग इज ओके तो मैं कहता हूँ कि जन्नत में प्रॉपर्टी बनाओ और अगर खुदा न खास्ता अशर के मैदान में अगर कुछ गुनाहों की वजह से जहन्नम की तरफ जाना भी पड़ा तो हम अल्लाह ताला को कह सकते अल्लाह पाक मारी प्रॉपर्टी तो जन्नत माशे मना आइए क्या मुकलेश तो अल्लाह के रामत की भी जोश आएगा दस मरतबा शुरस पढ़ो एक बंगला तैयार रेडीमेड महल खसर फिलजन्ना हजरत उमर से हु फर तो ने फरमाया तोर ने कहा हजत दस मरतबा पढ़ने से एक महल आपने फरमाया हाँ तो उमर ने कहा मैं तो बहुत बनाऊँगा फरमा ने फरमाया बना वो तो तेरी ताकत होनी चाहिए अल्लाह देते देते नहीं थकेगा सौ मरतबा पढ़ो तो दस मंग लेते ही यार दो सौ मरतबा पढ़ो बीस मंग लेते ही यार सीधा सीधा हिसाब है तीन सौ मरतबा पढ़ो तीस मंगले तैयार तीस मंगले तो तैयार तो हो गए फिर जो है दस मरतबा और कर लो तो वो बंगला तैयार तो अब आदमी मुझे आगे पूछता है मौलाना मैं तो रोज़ाना तीन सौ तेरह पढ़ने वाले रोज़ाना हज़ार हज़ार मरतम ही पढ़ते हैं और पढ़ने वालियाँ है जो हैं माशाला रोज़ाना दो दो हज़ार मरत ही पढ़ती हैं ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ती लेकिन ये मैं आसान डोज दे रहा हूँ जो आदमी पाबंदी से कर सके तो एक आदमी ने अगर मुझे कहा मौलाना मैं पाबंदी से बंगले बना रहा हूँ पाबंदी से एक औरत ने कहा मेरे बंगले मेरे बारोपटी तैयार हो रही है वहाँ और मौली साहब इटलू को आटला बड़ा बंगला कर सू त्याजी ने आटला बड़ा बंगला त्या तो कोई रेंट वालों तो मले नहीं अपों ने क्या भाड़ा दे आप तो दो कोई कंपनी हो तो कंपनी ने आप पी दो यूँ तो छेद नहीं तो इतने सारे बंगले करेंगे क्या वहाँ तो मैंने उसको जवाब दिया बेटा फिक्र मत कर तो बंगले बनाए जा जब हम जन्नत में दाखिल होंगे इन तो मशवरा कर लेंगे कि क्या करना है इसका वो भाई की बात है लेकिन मिलेगा पक्की बात 313 सौ रोजाना अपना ये मामूल बना लो जो तरतीब से भी आपकी हो अ मैं नहीं पढ़ना है बस और ज़्यादा पढ़ो तो फ़ायदा ही फ़ायदा है किताबों में लिखा है कि रिवायतों में आता है कि एक साहबी सूरह अखलास बहुत पढ़ते थे हजू सल्लम तक बात पहुँची कि तो सूरह इखलास बहुत पढ़ते हैं ये भाई पूछो क्यों पढ़ते हैं बहुत हज़रत मुझे मोहब्बत है इस सूरत से इसमें अल्लाह की अजमत है अल्लाह की कुदरत है मुझे अच्छी लगती है तो आपने क्या कहलवाया अगर तू इस वजह से पढ़ता है कि तुझे इससे मोहब्बत है और अल्लाह ताला की अज़मत है तो याद रखना उसको जा कर कहो कि अल्लाह भी तुझसे मोहब्बत करता है इसीलिए आज के जो मेरे सबक चल रहे हैं एक तो दरस कुरान आता है और एक मुझे आज का सबक आता है तो मैं उसमें उसका मजमून है अपने प्यारे अल्लाह से मोहब्बत कीजिए पार्ट नंबर इतना पार्ट नंबर इतना अपने प्यारे अल्लाह से मोहब्बत कीजिए वल्ल ना ये मेरी तरफ से हदिया है आप लोगों को तस्वीर तो मैं सबको हदिया दे नहीं सकता जिस घर में बैठा हूँ उस घर में मियाँ बीवी को दे दूँगा इन श्ला तस्वीर जहाँ यहाँ बैठा हूँ क्योंकि उसको मैं हधिया दे दूँगा ये ले भी। तेरे घर में मैं आया ये तस्वीर हदिया ले ले लेकिन तस्वीर तस्वीर को पहुँचा नहीं सकता मैं लेकिन ये कि कम से कम ये वजीबा दे दूँ आपको ये पढ़ो इसके बाद आपकी मंगनियाँ भी हो जाएंगी उसके बाद शादियाँ भी हो जाएंगी बेटा का नाम फरमाना तो बेटा भी अच्छा हो हो जाएगा और बंगला तो तैयार हो जाएगा वो तो यकीन ही है और आखरत की तैयारी करो मौत का आना यकीन है मौत के वक्त हमें कोई किसी का भाव नहीं पूछेगा कुरान में अल्लाह ताला ने मौत को बहुत बयान किया है दीनदार मर्द है दीनदार औरत है तो मलकुल मौत खुद जो है कलमा पढ़वाएंगे पढ़ पढ़ फड़ दीनदार है लोग उसके जनाजे में हो कर लो हो वो फिक्र मत करो उसके जनाजे में फरिश्ते जरूर होंगे आदमी आजकल कहता है अरे आना जनाजा में बहु मानसो होता ठीक है बहुत अच्छा है अरे आना जनाजे में तो कोई खास मानसो न था तो ये कोई दलील नहीं है कोई खराब आदमी है हजरत उस्मान के जनाजे में सिर्फ आठ आदमी थे हजरत उस्मान के जनाजे में आठ से दस आदमी थे तो खराब थे वो उनके जनाजे में वो आठ दस आदमी थे ये कोई दलील नहीं है हाँ अच्छी चीज है बहुत बड़ा मजमा हो दुआ करे लेकिन किसी के जनाजे में कम हो तो उसको ख़राब समझना ये नहीं है अच्छा और ख़राब जो होता है वो अल्लाह के यहाँ आमाल की वजह से होता है अमाल अच्छे हैं वो अल्लाह के यहाँ अच्छा है अजरह मे हसनिमा कानू या मलून के जिसने भला काम किया चाहे मर्द हो चाहे औरत हो ईमान के हालत में किया अल्लाह वादा करते हैं हम उसकी ज़िंदगी को पाकिसा जिंदगी बनाएंगे बस उसके दिल को सुकून चैन देंगे उसको हम और मरने के बाद उसे बेहतरीन बदला देंगे ये वादा है दीनदार के मौत का वक्त जब करीब आता है किताबों में लिखा है कि किसी का इंतकाल रात को दो बजे हो रहा है या रात को ढाई बजे हो रहा है लेकिन मौत के वक्त में कौन सा वक्त दिखाई देगा जहर की नमाज का कि जहर की नमाज का वक्त है जैसे अच्छा दीनदार थी दीनदार था तो ये वर्माते इकराम करेंगे ये रिवायतों में हजारों फरिश्ते आते हैं और ये शतोड़े भी आते हैं शैतान शैतान ये कोशिश करता है कि ये ये ईमान साहब तो बैठे फरिश्ते कोशिश करते हैं कि नहीं नमाजें पढ़ी हैं इसने कुरान शरीफ की तिलावत की है रोज़े रखे हैं अच्छी लड़की है अच्छी औरत है अच्छा मर्द है ईमान बचाने की फिक्र करते हैं इनदी नब्बुल्लाफु वाला तजनू बाब शुरु बिलजन्न तिल्लती कु तुम तो आदून फरिश्ते बातें करते हैं ये दीनदार मर्द और औरत के लिए जिन्होंने कहा हमारा रब अल्लाह है तो उस पर जमे रहे फरिश्ते आते हैं मौत के वक्त में और आकर कहते हैं हम तुझे ले जाने के लिए आए हैं लेकिन टेंशन मत लेना जहाँ तू जा रही है जहाँ जा रहा है वहाँ तेरा भरपूर इस्तबालें खड़ी हैं सब लोग खड़े हैं बे टेंशन मत लेना और पीछे छोड़ के जा रहा है उसका भी मत करना हम हम जिम्मेदार हैं उसके नाह हुकुम फिलहत दुनिया फिल आखिरा हम तुम्हारे वली हैं तुम्हारे साथी हैं फिक्र मत करना ये दिनदार। किताबों में लिखा है पाँच सौ फरिश्ते आते हैं पाँच सौ अलग अलग खुशबुएं लेकर आशिक का जनाजा है ज़रा धूम से निकले आशिक का जनाजा है जरा धूम से निकले ये और बीठी बीठी अच्छे अच्छे बातें करते हैं तार सू नाम छे तारा क्या नाम है सब अच्छी अच्छी बातें करते हैं दिल बहलाते हैं ऐसा दिल बहलाते हैं कि वो अपने घर को भूल जाती है शोहर को भूल जाती है वह आदमी अपनी बीवी को भूल जाता है बच्चों को भूल जाता है सब ऐसी अच्छी अच्छी बातें करते हैं सब और एक से एक खूबसूरत किस्म के उनके हाथों में गुलदस्ते होते हैं दीनदार इसीलिए आपने देखा होगा किसी दीनदार का इंतकाल जब होता है तो ऑटोमेटिक घर के अंदर खुशबू आती है ये खुशबू लगाई नहीं जाती ये खुशबू फरिश्तों की होती है और एक पॉइंट बताऊं आप अकेली बैठी हैं कभी कभी जो है दाहिनी तरफ से कोई आवाज़ आ जाती है कभी बाईं तरफ से आवाज़ आती है कभी सिम कोई सिमत नहीं आवाज़ आती है जो होता है मर्दों के साथ भी होता है औरतों के साथ भी होता है घर में अकेले बैठे हैं दाहली तरफ से किसी ने कुछ पुकारा तो दाहली तरफ से पुकारा फरिश्ते ने पुकारा है और बाई तरफ से पुकारा शैतान ने पुकारा है और कोई सिमत नहीं है वो अल्लाह ने पुकारा है खैर ये दीनदारों के साथ ये होता है इसलिए मैं कहता हूँ कि सूरत की औरतें जो हैं वो दीनदार बने ये तुम्हारे यहाँ जो धमाल है ना इससे मुझे बहुत तकलीफ है शादियों में खर्चे और फिर कपड़ों के ऊपर खर्चे और फिर लंबी लंबी शॉपिंग करना और बाजारों मॉलों में जाना ये अपना काम नहीं है ये अपना काम नहीं आज जरूरत के लिए करें कोई और की बात नहीं है शोबाजी इससे नज़र लगती है ये मेरी बात याद रखना आज घरों में जो परेशानी आए ना वो हसद की और नज़र की परेशानी आए हसद होता है अच्छा आ आ, आ, आ मोबाइल क्या थे लावी तू ये वो मोलमा गई थी त्या थे लावी सारा हो तो अभी मोबाइल का जो है ख़राब भी नहीं हुआ दो महीने भी हुए और दूसरा मोबाइल अल्लाह को पसंद नहीं है इसे इसराफ कहेंगे तबजीर कहेंगे अल्लाह ताला को ये चीज़ें पसंद नहीं और आप में अल्लाह ने बहुत खूबी रखी है मैं आपको आज की तारीख लिख लेना अल्लाह ताला आपको बहुत माल देगा इनशाला और देखोगे कि, कि सूरत जो है टॉप वन माशाल्लाह, ये है लेकिन अपने आप को संभाल के रखना मरते ही ये माल छुट जाएगा दीनदार बनोगी तो फरिश्ता जो है वह आकर खुशखबरियाँ देंगे खुशखबरियाँ टेंशन मत लेजे भाई टेंशन मत लेना टेंशन मत लेना और अच्छी अच्छी बात अगर और शैतान जो है वो किसी तरीके से बहकाने की फिक्र में रहेगा इसका ईमान खींच लूँ लेकिन मौत के वक्त में आदमी को तकलीफ़ होती है वो कभी कभार आदमी तकलीफ बर्दाश्त नहीं करता और तकलीफ़ बर्दाश्त न करने की वजह से कुछ जुमले इधर उधर के कह देता है वो ईमान से निकल जाता है और एक अहम बात बताऊं आपको कभी कभार मौत के वक्त में ऐसा होता है कि जुबान बंद हो जाती है लेकिन दिमाग चलता है दिल चलता है तो नसीहत करता हूं जुबान से कलमा नहीं पढ़ सकते तो दिल दिल में तो पढ़ सकते हो नहीं पढ़ सकते दिमाग में तो कलमा ला सकते हो नहीं ला सकते अल्लाह एक है अल्लाह एक है इमाम महबद इब्ने हम्बल का इंतकाल हो रहा था तो शैतान ने ननानवे दलीलें पेश की उन सब के सामने कि अल्लाह नहीं है अल्लाह नहीं है इमाम साहब ने जो है ये जवाब देते गए जवाब देते गए जवाब देते गए जवाब देते गए आखिर में शैतान ने कोई दलील की। तो अब इमाम साहब ने कहा मैं बग़ैर दलील के कहता हूँ कि अल्लाह एक है कोई दलील की ज़रूरत नहीं है मुझे मेरा अल्लाह एक है उसके बाद इमाम सब का इंतकाल हुआ ख्वाब में देखा तो अपने बेटे से कहा बेटा बड़ा ज़बरदस्त फितने में आ गया था लेकिन अल्लाह ताला ने मेरी हिफाजत की बच गया अपने ईमान की हिफाजत करो अपने घरों की हिफाजत करो अपनी इस इसमत की हिफाजत करो अल्लाह ताला आपको आफियत के साथ बहुत दे मेरी दुआएं हैं और हलाल दे हराम से बचा दे कि हराम लकमें से दुआएं कबूल नहीं होती अपना दिल साफ रखो एक दुआ मांगो अल्लाह हम सबको तो कलब सलीम अता फरमा तो दीनदार है ये औरत दीनदार है मर्द फरिश्ते मीठी मीठी बातें करते हैं जन्नत दिखाते हैं, बागात दिखाते हैं, हुरे दिखाते हैं वुर वहां से सलाम करती है खुशी होती है इसकी रूह फड़कती है आखिर में मतलब मौत आता है और मौत आकर क्या कहता है पेशानी पर हाथ रखता है देखा कि मौत आया और पेशानी पर हाथ रखा एक के बाद कहता है मौत मारा माथा पर जो हुई है मेरी पेशानी पर देख क्या लिखा है उसकी पेशानी पर कलमा लिखा होता है गल्ला मोहम्मद रसूल्ला जुबान से निकला और फौरन उसकी रू कब्ज़ कर ली जाओ हमेशा के लिए कामयाब हो गए दींदार है कबर में रखा तो कबर में रखते ही जब फरिश्ते सवाल जवाब करने आएंगे अरे मैं ठहर ठहर वे ठहर मारे असर से नमाज पढ़वानी है मुझे असर की नमाज़ पढ़नी है कबर में जब फरिश्ते सवाल जवाब करेंगे चाहे रात को दो बजे करें तीन बजे करें उसको असर का वक्त दिखाई देगा ग्रुप का कि मुझे नमाज पढ़नी है नमाज नमाज ही थी मैंने मेरे वालदा रहमतुल्लाह ला को देखा अल्लाह उनके खबरों को नूर से मनवर करे नमाज़ का वक्त बहुत अहतमाम से मुझे नमाज़ पढ़ाओ इस बुढ़ापे में भी इस बीमारी में भी भाई तेरा सबक सुना तेरा सबक सुना मैं मशगूल होता था तो मेरी बीवी से कहें बच्चियों से कहें भाई यूनुस का सबक दरस कुरान सुनती थी हालांकि एक तो है आज का सबक वो आसान होता है दरस क़ुरान थोड़ा हार्ड होता है कुरान शरीफ के आयतें थे उसका तर्जुमा उसकी तशरी पाँच छः मिनट का होता है लेकिन वो थोड़ा मुश्किल होता है वो भी सुनती थी दीनी मिजाज अपना मिजाज दीनी बनाओ ये मेरी दावत है आप लोगों को कि मिजाज दीनी हो अब दीनदार है अब गई वहाँ कबर में कबर में इकराम एहतराम दीनदार औरत है और किताबों में भी लिखा है कि ये औरत या ये लड़की या ये मर्द जिस घर में रहकर इबादत करते थे जिस चारपाई पर अल्लाह अल्लाह करते थे तो इनके दुनिया से जाने के बाद वो चारपाई रोती है। और बादशलफ साल हाँ पे ऐसे गुजरे हैं कि चालीस चालीस दिन तक उनके चारपाई में से रोने की आवाजें आई उनके कमरे में से रोने की आवाजें आई चालीस दिन तक कोई जा कोई जा नहीं सकता था क्यों रोने की आवाज़ आती थी दीवारें रोती थी कि इतनी अच्छी औरत थी दुनिया से चली गई इमाम करतुबी कहा करते थे अपने शागिर से आज मेरी वजह से अल्लाह ने आज़ाब रोक रखा है जब मैं दुनिया से जाऊंगा तो तुम्हें पता चलेगा कि करतबा पर क्या हालात आते हैं तो समझ में नहीं आता तो लोगों को जब दुनिया से रुखसत हुए तब करतबा पर हालात आए तो आपकी दीनदारी की वजह से हालात अजाब को भी अल्लाह रो के रखेगा दीनदार है कबर में दाखिल किया तो एक शहर पढ़कर लोग वापस हो जाएंगे कबर तक आपका इकराम कर लिया आगे, आगे आपके अमल जाने कबर तक आपका साथ दे दिया आगे, आगे आपके अमल जाने नमाज साथ देगी आप कुरान पढ़ रही हो कुरान साथ देगा दुरुशरीफ आपने पढ़ा है दुरुशरीफ साथ देगा आपने रोज़ा रखा है रोजा साथ देगा दीनदार थी इसलिए दीनदार बनने की कोशिश करो को माल तो अल्लाह ने बहुत दिया इतना माल अल्हम्दुलिल्लाह दिया है कि सौ सोसुन सूरत तक भी न कमाऊं तो भी अल्लाह तलाता रहेगा सूरत को अल्लाह ने माल के लिए छाटा है हिंदुस्तान में हिंदुस्तान के अतबार से उस ज़मीनों में से जो है ना खजाने ही निकलेंगे लेकिन वही पोपट वाली खानी है चूहे वाली नहीं खानी पोपट वाली तोते वाली खुश होकर वो अन्ना हलल कोरा आ बरकातिम मिनस समाई वल अर्द बस्ती वाले गांव वाले इलाके वाले अगर दीनदार बन जाएं, ईमान ले आए तखवा इख्तियार कर लें हम बरकतों के दरवाज़े खोलेंगे ये बरकतों के दरवाज़े खुलवा नहीं उसके लिए अपने दिल को साफ़ रखो रोज़ाना रात को सोते वक्त में सब को माफ़ करके सो ये है कि रोज़ाना रात को सोते वक्त में जितना भी बिगाड़ है ना दिल में बहू के बारे में सांस के बारे में और जेठानी और नंदन पता नहीं क्या कहें जेठानी जेठ नंदन ये जेठ, जो नाम है अपने हमारे बिरादरी में हमारे इलाके में के बारे में जो है अपना दिल साफ करके सो जाओ अल्लाह से को उफोम एक थे ही थे अलैहि वसल्लम बैठे हुए मस्जिद नबी में तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया भई देखो देखो भई देखो देखो अभी एक आदमी आएगा इस दरवाजे से वो जन्नती है जब हुज़ूर ने फरमाया तो साहबा तो ध्यान से देखने लगे कौन आता है कौन आता है तो एक साहबी आए वज़ू करके जूते हैं उनके हाथ में वज़ू का पानी भी टपक रहा है साहबा ने कहा कि हाँ इसके बारे में कहा जन्नती है दूसरे दिन बैठे हुए थे तो आपने फरमाया एक आदमी आएगा यहाँ से वो जन्नती है साहबा देखते रहे कौन आता है कौन आता है कौन आता है, कौन आता है? दूसरे दिन भी वही साहबी आए तीसरे दिन आपने कहा एक आदमी भी आएगा वो जन्नती है तो तीसरे दिन भी वही वही साहबी आए ये किताब में लिखा है तो एक साहबी है नौजवान साहबी उनका नाम है अब्दुल्ला इब्न आस इन्होंने कहा कि भाई तीन दिन से हुजूर कह रहे हैं कि जन्नती है साद इक़्स नाम था इनका जो आते थे तीन दिन से शाद इतबाश था अभी तो तीन दिन से हुजूर कह रहे हैं कि जन्नती है जन्नती अभी क्या, क्या क्या अमल है इसका नमाज बहुत पढ़ता है कुरान बहुत पढ़ता है रोज़े बहुत रखता है ज़रा तखिर तो करूँ तो तीन दिन मेहमान बन गए वहाँ जाकर कि देखो तो क्या करता है कुछ नहीं अपनी नमाजें पढ़ते थे आम नमाज जो होती है अपनी रोज़ा रखते थे तो उन्होंने कहा कि तो भाई तीन दिन से हुजूर ने कहा कि आप जन्नती हैं जन्नती हैं जन्नती हैं तो आपकी क्या ख़ूबी है बोले मेरी कोई ख़ूबी नहीं है ये तो हुजूर ने बात कही तो मैं अपना रास बताता हूँ हालांकि मैं रास किसी को बताने वाला नहीं था मेरे मेरे अल्लाह के दरमियान था ये मामला और वो राज राजे कि रात को जब मैं सोता हूँ सबको माफ़ करके सोता हूँ दिल में रखता नहीं और हमारे यहाँ क्या है शब बरात आएगी शब बरात फ़ोन करेंगे भाई माफ़ कर जे हाँ कि घिधु करिए तो माफ़ कर जे हाँ शब बरात है माफ़ी और दूसरे दिन जैसे थे वैसे हो गए ऐसे माफ़ी नहीं होती कल में सलीम सहाबा को जो रदी अल्लाह तु का लकब मिला था उनकी दिल की सफाई की वजह से इसलिए लकब मिला था फिर वो दर्जे पर पहुंचे थे आप जब दुनिया से इन रुखसत होगी तो आपके आप आपका मकान भी आपकी जुदाई पर रोएगा क्योंकि आप दीनदार लिखा है घर के सामने जो दरख्त है वो दरख्त भी रोता है भैंसे हैं वो भैंसे भी रोती हैं गाय भी रोती क्योंकि दीनदार आदमी था आसमान का वो दरवाज़ा भी रोता है जहाँ से निकियाँ चढ़ती थी आपकी नमाज आपके तहज्जुद जो चढ़ती थी वो दरवाजे पे रोएगा कि भाई क्यों रो रहा ये कहा कि वो आना बंद हो गया भली औरत थी भला आदमी था इसलिए मेरी ख्वाहिश ये है आज मुझे कोई पूछे कि भी आपकी ख्वाहिश मोला ने क्या हर आदमी पूछता है ना आपकी तमन्ना क्या कोई ख्वाहिश मेरी ख्वाहिश ये है और मेरी तमन्ना ये है अल्लाह करे मेरी तमन्ना पूरी हो वहाफियत के साथ कि दुनिया में, में ये मशहूर है बेहतरीन घड़ी चाहिए स्विट्ज़रलैंड चले जाओ बेहतरीन कंबल चाहिए इटाली चले जाओ और बेहतरीन आईफोन चाहिए तो सान फ्रांसिस को चले जाओ सन हो फैक्ट्री वहाँ पर है एप्पल वालों की मेरा वहाँ बयान भी हुआ है और बेहतरीन कस्म के कार चाहिए तो जर्मन चले जाओ बेहतरीन कस्म के कंप्यूटर्स के पार्ट चाहिए तो आप जो है सान अमेरिका चले जाओ अच्छे अच्छे पार्ट्स आपको मिलेंगे और बेहतरीन कस्म की औरतें देखनी हो तो सूरत चले जाओ अखबारों में आएगा कि बेहतरीन कस्म की औरतें देखनी हो आपको मालो मनाल के एतबार से नहीं चेहरे मोहरे के एतबार से नहीं दीनदारी के एतबार से मर्द औरतें एक कि आप सूरत चले जाओ आपको बहुत अच्छे लोग मिलेंगे बहुत भले लोग मिलेंगे किस जमाने में ऐसी बस्तियाँ थी सौ फीसद बस्तियाँ नमाजी थी सौ फीसद बस्तियाँ तहजद गुजार थी सौ फीसद सौ फीसद बस्ती जो है वो दाढ़ी वाले थे और मैं उन बस्ती में गया हूँ यानी मुझे लोग ले गए हैं उन औरतों में मैंने बयान किया है मैं रहा हूँ वहाँ मुझे मुस्तकिल ले गए का आपको ऐसी बस्ती में हम ले जाते हैं जहाँ सौ फीसद दीनदारी एक टेलीविज़न नहीं मिलेगा आपको और अभी हम जब ये पड़गह जा रहे हैं ना अभी प्रोग्राम बना रहे हैं, वो सौ फीसद दींदा अभी यहाँ से जाने के बाद एक बस्ती का हमारा यानी मशवरा चल रहा है जाऊँ ना जाऊँ जाओ ना जाऊँ हमें तारीख हमने दी नहीं है सौ फीसद एक टीवी नहीं मिलेगा एक बगैर दाढ़ी वाला नहीं मिलेगा फजर की लमाज़ में सौ फीसद जितनी बस्ती में जैसे पाँच सौ है ना पाँच सौ तो बच्चों के साथ मिलेंगे आपको में तो जमाते बैठेंगे तो सारे के सारे पाँच सौ के पाँच सौ बैठेंगे हाँ कोई माजूर है कोई अस्पताल में है कोई ये है अभी मैं चाहता हूँ अल्लाह करे सूरत भी ऐसा बन जाए लेकिन हमारा तो यहाँ क्या हमारे यहाँ को हमारे यहाँ तो ये है कि दोपहर को दो बजे सूरज होता है सूरत में दुनिया में तो सुबह जल्दी हो जाता होगा लेकिन सूरत में जो है रात को बहुत देर से गुरुब होता है और दो बजे ढाई बजे डेढ़ बजे शहजादे हैं ना नाश्ता होता है अरे नाश्ते का टाइम है ज़िंदियाँ बदलो अच्छे बनो अच्छे और जिसके दिल में जो होता है मैं बताऊँ जिसके दिल में जो चीज़ बैठ गई वो चीज़ चलाएगी उसको दिल में दीन बैठ गया तो दीन चलाएगा दिन बैठा है दिल में नमाज़ बैठ गई ये नमाज़ चलाएगी बगैर नमाज के नहीं रहेगी दिल के अंदर कुरान बैठ गया कुरान चलाएगा और एक नसीहत याद रखना बेटियों जिससे अल्लाह मोहब्बत करता है उसे कुरान पढ़ने की तौफीक देता है और जिससे अल्लाह मोहब्बत नहीं करता कुरान की तरफ देखने की भी तौफीक नहीं देता दिल में जो बैठेगा दिल में कारोबार बैठ गया तो कारोबार चलाएगा दिल में कपड़ा बैठ गया तो कपड़ा चलेगा दिल में जो बैठा लैला के दिल में मजनून बैठा हुआ था और मजनून के दिल के अंदर लैला बैठी हुई थी तो वे चला रहे थे उनको हर चीज में लैला दिखाई देती थी हर चीज़ में मजनून दिखाई देता था याद रखना मतलब अपने दिल के अंदर दीन को बिठाओ हमारी इतनी तश्कील है और ये होगा घर के तालीम से मेरा सबक आता है अल्लाह का शुक्र है कहीं कही ना कहीं से आपको ग्रुप में कहीं कही ना कहीं से पहुंच जाता होगा अब तो अल्लाह तला ने इतना दुनिया में फैलाया अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरा सबक लोग मुझे भी, भी भेजते हैं उनको पता नहीं मेरा ही सबक है मेरी किताबें लोग मुझे हदिया देते हैं हरम शरीफ के अंदर कभी आप चेहरे जरा अच्छा लग रहे हो ये किताब पढ़ना बहुत अच्छी है तो मैं ले लेता हूँ उनका जजाकल्ला खैर फिर दूसरे दिन आते हैं हज़रत माफ़ करना ये तो आप ही ने लिखी है मैंने लोगों से पूछा है कि हजरत कौन बैठे हैं क्योंकि इन्होंने तो लिखी है ये किताब मोमिन का हथियार है छब्बीस सूरतें हैं हवाई जहाज में सफ़र कर रहे थे तो एक जब टेक ऑफ के बाद एक आदमी खड़ा हुआ और उसने सबको मोमिन का हथियार बांटनी शुरू की वो मेरे पास भी आया मुझे भी दी कि किताब पढ़ते रहना बहुत अच्छी किताब है इसमें जिन्नत से भी हिफाजत है था, जादू से भी हिफाजत है ये भी है वो फ़ाइल मुझे खुद बयान कर रहा मैंने कहा बहुत अच्छा भाई तो ये मकबूलीत अल्लाह की तरफ से आती है इसलिए एक तो मैंने आपको हदिया दिया मेरी तरफ़ से उस्ताद का हदिया बहुत क़ीमती होता है एक उस्ताद की दुआ होती है एक माँ बाप की दुआ होती है तो माँ बाप की दुआ से ज़्यादा अल्लाह उतास की दुआ कबूल करता है क्या माँ बाप तो जो है आपकी खाली कारोबार की फिक्र करेगा आपकी धंधे की फिक्र करेगा उस्ताद आपकी जन्नत और जहनम की फिक्र करेगा इसलिए मैं चाहता हूँ कि मेरी ख़ास दुआ है आज की तारीख की जिस करम से अल्लाह ताला ने हम सब को इस हॉल में जमा किया अल्लाह ताला उसी फजलो करम से हम सब को और हमारी कयामत तक के आने वाली नस्लों के साथ और अभी जहाँ जहाँ आवाज़ सुनी जा रही है और जब भी सुने लेकिन बयान अभी चल रहा है लोग देख भी रहे हैं सुन भी रहे हैं जो भी है और बाद में भी पहुंचता है हम मैं मैं दुआ करता हूं कि हम सबको हमारी क़यामत तक के आने वाले नस्लों के साथ अल्लाह ताला ताली हजूल वसम के करीब में जन्नत में दाखिल कर दें इसलिए सुर अखलास वाला हदिया यह कबूल कर लो आप लोगों ने कबूल किया भाई तीन सौ तेरह मरतबा प्रॉपर्टी बनाओ यह जुमला याद रखना जरा प्रॉपर्टी के जुमले से आदमी को याद रहता है खाली बंगला बंगला कहो तो आदमी को, को जहन में नहीं आता है बंगला के वो बंगलो के हो बंगलो भाई प्रॉपर्टी बिल्कुल ब... या अल्लाह ताला की तरफ से मोहर लगी हुई हजू सल वसम की तरफ से मोहर लगी हुई है पक्का है तेरा ही है नाम लिख दिया जाता है फलानी का है फलानी का है कोई कब्जा नहीं कर सकता और अगर आदमी को यह है कि भाई मेरा बंगला है तो ज़रा थोड़ा खजूर के दरख्त भी होने चाहिए थोड़ी फुलवारी भी होने चाहिए तो सुबहानल्ला भी हमदही बहुत पढ़ो हदीस शरीफ में आता है जितनी मरतबा तुम सुबहानल्ला भी हमदही पढ़ोगे उतने दरख्त जन्नत में खजूर के लगेंगे आपका सौ दरख्त लगा लें सौ मरतबा पढ़ लो सौ दरख्त लग जाएंगे खजूर के और वहाँ लकड़ी के दरख्त नहीं होते वहाँ सोने के तने के होते हैं यहाँ सोने के लिए आप तरसती हो ले एक, एक बाली के लिए तरसती हो और वहाँ सोने के दरख्त लगाओ जितने मदीना मनमर मैंने बयान किया मस्तूरात में और यह हदीस बयान की जन्नत में खजूर का दरख्त तो लगाओ एक मरतबा सुबहानल्लामद ही पढ़ लो जन्नत में खजूर का एक दरख्त तो लग जाता है बयान करने के बाद अपनी कार में बैठा एक बच्चे भागी भागी आई शेख मैंने पचास दरख्त तो लगा लिए फिर थोड़ा सा आगे चला तो उसकी बहन आई बड़ी हज़रत शेख शेख वो शेख कहते हैं जैसे यहाँ हज़रत कहते हैं ना वो लोग शेख कहते हैं शेख मेरी बहन ने तो पचास लगाए मैंने सौ लगा, लगा लिए और इतने बंगले तैयार कर लिए मैंने यह आज की तारीख का ख़ास हदिया है आप लोगों के लिए कि सुरखलास का वजीफा उसके बाद दुआएं मांगो दुआ कबूल होगी और मरना है यकीनी है अल्लाह को मुंह दिखाना है कुछ पता नहीं है मौत कब आ जावे किताबों में लिखा है रोज़ाना मौत सब पर निगाह रखता है कौन कहाँ बैठा है कौन कहाँ बैठा है कौन कहाँ बैठा है कौन कहाँ बैठा है कब किस को चलना है और मौत अचानक आती है कह के नहीं आती कब आवे कौन सी जिंदगी के कौन सी गली में शाम हो जाए कुछ नहीं कह सकते इसके लिए अभी से अपना रुख मोड़ो और आपके दिल में यह ना आवे कि मौली साहब बहुत गुना हो गए तनहाई में आप बिल्कुल टेंशन मत लो अल्लाह ताला वादा करते हैं क्या वादा करते हैं ए मेरे बंदे और बंदी तेरे गुना इतने ज्यादा हो जाए क्या आसमान और जमीन का दरमियानी हिस्सा उस गुनाहों से भर जाए कोई इतना ज्यादा गुना तो नहीं कर सकता है कि आसमान और ज़मीन का दरमिया हिस्सा गुनाहों से भर जाए आदम सलाम के ज़माने से लेकर कयामत तक कोई गुनाह करे और सारी दुनिया गुनाह करे तो भी इतने गुना नहीं होंगे कि आसमान से लेकर ज़मीन से लेकर आसमानों तक तो गुना भर जाए। लेकिन वादा करते हैं मेरे इज्जत की कसम मेरे जलाल की कसम मेरी बड़ाई की कसम एक नदामत का आंसू तो बहा देगी मैं तेरे सारे गुनाहों को माफ़ कर दूँगा इसतवार करेंगे, माफ कर दूंगा वादा है और पढ़वाया रबिर वर हम अनत खैर्राहमीन हुजू सलासन से पढ़वाया नीजिए पढ़ते रहो न बीजिए पढ़ते रहो न बीजिए पढ़ते रहो रब ग फिर वरह वंत खैरिमीन रब ग फिर वरह व अंत खैर उरा हु सलासल से पढ़वायाल्ला ने अगर कोई बादशाह या कोई वजीर अर्जी करने की तरतीब बतावे ना तुम ऐसा ऐसा लिखो आजकल होते हैं ना ऑफिसर वाले तब आम लिखो आहवीर लिखो वो तो हमने लखी ना आप पूछो आवीरती लखो तो हमें लोग जिसने कबूल करी नख सुहाजे तुम्हें फंसा तुम फंसोगे नहीं तुम इस तरीके से लिखो तो अल्लाह ने पढ़वाया वो पढ़वाया क्यों अल्लाह को देना है इसलिए पढ़वाया कैसा पढ़ो पढ़ो मेरे साथ रबे को वरहम व अंत खैर्राहमीन ये पढ़वाया है आसमानों से पढ़वाया है दीनदारी वाली जिंदगी कल्ब सलीम दिल साफ एतवार से चलते रहो और तीन सौ तेरह मरतबा शुरस कम से कम कम से कम है ये ज़्यादा से ज़्यादा तो पढ़ने वालियों ने पाँच पाँच लाख मरतबा भी पढ़ाया अलहमदिल्ला एक डॉक्टर नहीं है अहमदाबाद की है कल मेरा अहमदाबाद में प्रोग्राम था अलहमद लाला तो वो भी शिकागो में रहती है उसने मेरा बयान सुना था नवाब मस्जिद में उस वक्त मैं पाँच लाख मरतबा पढ़वाता था कुरान शरीफ़ के हरूफ हैं चार लाख चालीस हज़ार तीन लाख चालीस हज़ार मैंने कहा भी अब राउंड फिगर पकड़ लो कुरान शरीफ़ के हरूफ के मुताबिक पाँच लाख मरतबा तुम पढ़ो परेशान थी आहिस्ता 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 करके तीन साल के बाद उसका मुझे फ़ोन आया या ख़बर आई के मैंने एक कोटा पूरा कर लिया और सारा के सारा आपको हदिया दे दिया मैंने लगा इससे बड़ा हदिया कुछ नहीं है भाई फिर शुरू किया आज अल्लाह ताला ने खूब नवाजा है अहमदाबाद की रहने वाली हूँ तो पाँच लाख मरतबा अगर पढ़ो तो तो कोई हरिश की बात नहीं है लेकिन तीन सौ तेरह मरतबा तो पढ़ना ही पढ़ना है इंशाल्लाह पढ़ोगे इंशाल्लाह भाई और मेरा सबक सुनते रहो दूसरा मेरी किताब है मोमिन का हथियार छब्बीस सूरत ये नहीं आ गई हैं हम दो हज़ार बाईस मॉडल आप लोग कार्य खरीदते हो ना 2019 मॉडल 2021 मॉडल 2020 मॉडल ये 2022 मॉडल ये मेरी किताब मैंने बिल्कुल तैयार की है ये 2022 मॉडल 2022 में तैयार हुई है सब कुछ मैंने उसमें से जितने भी या इस चीज़ें थी सब सब निकाल कर ढंग से मजमु तैयार कर लिया है उसको ख़रीद लो कहीं ना कहीं से मिल जाएगी इन और फिर उसको पढ़ना शुरू करो सब कुछ उसमें मोमिन का हथियार भी है उसमें अल्लाह की पाना भी है उसमें हज उम्री की दुआएं भी हैं उसमें अल्लाह से बातें कैसे करना वो भी है उसमें बदरीन के नाम भी हैं तीन सौ तेरह और उसमें सब हुजूल वसलम के नाम भी हैं सारे के सारे अल्लाह के ननानवे नाम भी है सब खजाना जमा कर दिया मैं कहता हूँ कि जय समंदर को कोजे में पैक कर दिया हो उसको पढ़ो पढ़ोगे इनशाला और मिल जाएगी मैं मेरे बस में होता तो मैं आप लोगों को हदिया देता लेकिन अब किताबें उठा के चलना किताबें लाना ये अपने बस में नहीं है सब जगह मिल जाती है न खरीद ना सको तो जो मोबाइल पर भी आती है पी भी आ जाती है मोबाइल के ऊपर भी है आप गूगल पर जा देखोगे छब्बीस सूरत तो आपको मिल जाएगी उसको पढ़ो अल्लाह ताला मुझे भी अमल करने के तोफ़ी अता फरमाए और अल्लाह आपको भी अमल करने के तोफ़ी अता फरमाए दो चार किस्से मुझे बयान करने थे लेकिन मैं वक्त की कमी की वजह से बयान नहीं कर सकता उसे कि सलफ सालिहात के क्या मामूलात थे मुझे बयान करना था सलफ सालिहात उनकी जिंदगी कैसी थी तहज उठ कर क्या करती थी वो बाद में नाश्ता कब करती थी शोहरों की हिताज़ क्या करती थी किस तरीके से बच्चों की तरबियत करती थी तो एक दो औरतों के किस्से बयान करने थे अल्लाह जब मुझे तौफीक देगा दूसरी मरतबा इंशाल्लाह आना हुआ यहाँ दाना पानी हुआ उस वक्त तो सुनाएंगे इन अब तो ये हदिया कबूल कर लो आप लोग तीन सौ तेरह और भी जितना आगे बढ़ सको अल्लाह मुझे भी अमल करने की तोफ़ीकतः फ़रमाए आपको भी अमल करने की तोफ़ीतः फ़रमाए अल्लाक हमदुल शिक्रकुल लकल कुल्लु खलकोकुल्लु वलकलफ़लकुल्लो विलईक उजाकुल्लो विलकली मुत्यब कुल्लो अल्लाक हमद्लाम لك الحمد بالايمان لك الحمد بالقران لك الحمد حتى ترضى لك الحمد اذا رضيت لك الحمد بعد الرضا اللهم لك الحمد كالذي نقول وخيرا مما نقول لك الحمد كالذي تقول لك الحمد في الحال ولك الحمد في المال لك الحمد في الاولى ولك الحمد في الاخره لك الحمد حمدا حمدا لك الحمد حمدا حمدا عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك عدد الشفع والوتر يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل على سيدنا محمد بن عبد الله القائم بحق الله ما ضاق امر الا فرجه الله ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قره اعين واجعلنا للمتقين اماما اللهم انا نسالك الفوز في يوم القضاء ونزل الشهداء وعيش السعداء والنصر على الاعداء ومرافقة الأنبياء يا ذا المن والعطاء يا سميع الدعاء يا رافع السماء اللهم لا تردنا خائبين بل ردنا إلى ديننا ردا جميلا اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا اللهم انا نسالك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين واذا اردت بقوم فتنه فتوفنا غير مفتونين يا مؤنس كل وحيد يا صاحب كل فريد يا قريبا غير بعيد يا شاهدا غير غايب يا غالبا غير مغلوب يا صريخ المستصرخين يا غياث المستغيثين يا عماد من لا عماد له يا سند من لا سند له يا عزيم الرجاء يا منقذ الهلكة يا منجي الغرقى يا محسن يا مجمل يا مبدئ النعم قبل استحقاقها يا فالق الحب والنوى يا فالق الحب والنوى أعط لكل امرئ ما نوى اللهم لا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما ولا مطرودا يا ذا الجلال والإكرام رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين याद जला यादलाव कराम एल्ला हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा एल्ला हमारी ख़ताओं से दरगुजर फरमा एल्ला हम इकरारी मुजरिम हैं हम ला हमें हमारे गुनाहों पर इकरार है हम जैसा गुनहगार न तेरे ज़मीनों ने देखा न तेरे आसमानों ने देखा न हिल और हरम ने देखा न तेरे फरिश्तों ने देखा एल्ला न तेरे हवाओं ने देखा और हमने तुझ जैसा करी माका भी नहीं देखा है हम गुनाह करते रहे तो हमें रोजी देता रहा हम गुनाह करते रहे तो हमें माल मनाल देता रहा जहाँ इतना करम फरमाया है एक करम और फरमा दे जितनी माएँ बहने बेटियाँ और हमारी बहुएँ बच्चियाँ और हमारे भाई जितने बैठे हैं हम सब के क़यामत तक के आने वाली नस्लों को कबूल फरमा ले और अल्लाह दूर दूर से जहाँ पर भी बयान सुन रहे हैं दुआ सुन रहे हैं या जब भी सुनें उनके लिए भी दुआ तो कबूल फरमा अल्लाह अचानक का खैर हमें नसीब फरमा अचानक के शर्स तो हमारी हिफाजत फरमा हमारा खोया हुआ दीन हमें वापस दे दे हमारा खोया हुआ कुरान वापस दे दे हमारी खोई हुई इज्जतें वापस दे दे खोया हुआ दावत का काम वापस दे दे अल्लाह पूरे सूरत वालों को कबूल फरमा एक एक मर्द औरत कोबूल फरमा एक एक बच्चा और बच्ची को कबूल फरमा हलाल माल मनाल के दरवाजे इनके लिए कुशादा फरमा जिन्हें दुकान की ज़रूरत हो दुकान अता फरमा जिन्हें मकान की ज़रूरत हो मकान अता फरमा जिन्हें घर की ज़रूरत हो घर अता फरमा जिन्हें हलाल बिस्तरी की ज़रूरत हो हलाल बिस्तरों का इंतज़ाम फरमा अल्लाह जिनके लड़के और लड़कियाँ शादी के लायक हों गैर शादी बेहतरीन जोड़ों का उनके लिए इंतज़ाम फरमा जब औलाद ने नेक साल औलाद उन्हें नसीब फरमा जिनके औलाद तो है मगर बेदीन है अल्लाह बेदीन ओलाद को तो दींदार बना दे जिन्हें औलाद की जरूरत है औलाद अता फरमा अल्लाह जो इनकी ज़रूरत हो तो गैब से तकफुल फरमा ए मौला करीम इतना बड़ा मजमा आमीन कह रहा है फरिश्ते हुए आमीन कह रहे हैं फरिश्ते भी सूरत में खचाखच भरे हुए हैं और आसमानों तक भरे हुए हैं जहाँ दीन की बात होती है फरिश्ते आ जाते हैं खुशबू सूंघते हैं अल्लाह इन फ़रिश्तों के आमीन के कहने को तो कबूल फरमा अल्लाह मौत का आना यकीनी है दुनिया से रख्सत होना यकीनी है आज दूसरों की मौत की खबरें हमारे कानों तक पहुँचती हैं एक दिन हमारी मौत की खबर दूसरों के, के कानों तक पहुँचेगी कोई पानी गरम कर रहा होगा कोई नहला रहा होगा कोई कफन तैयार कर रहा होगा कोई मुश्को और अंबर लगा रहा होगा अल्लाह बेहतरीन कस्म की घड़ी कीमती वो निकाल ली जाएगी कीमती अंगूठियाँ निकाल ले जाएंगी कीमती हार निकाल लिए जाएंगे कीमती मोबाइल भी यहीं यहीं रख दिए जाएंगे ए अल्लाह वो वो वक्त दुनिया से दुनिया वालों से बात करने का ना होगा बेटे बेटियाँ शोहर बीवी सब खड़े हैं और सब कह रहे हैं बातें कर रहे हैं लेकिन हमारी ज़ुबान बंद होगी अल्लाह तो उस वक्त में हमारा मुईन और मददगार बन जा हमारा मुईन और मददगार बन जा हमारा मुईन और मददगार बन जा जब तक दुनिया में रखे ईमान के साथ रख आफियत के साथ रख सलामती के साथ रख सेहत के साथ रख और जब दुनिया से जाने का वक्त आए कमाल ईमान पर हमारा ख़ात्मा फरमा कमाल ईमान पर हमारा ख़ात्मा फरमा ए अल्लाह वो पानी जो बादलों से आता है इससे खेतियाँ हरी भरी होती है ये पानी मर्द मोमिन और मोमिना औरतों की आँखों से निकल रहा है इससे तो इस्लाम के बाग को हरा भरा कर दे ए खूबसूरत पर्दे वाले ए खूबसूरत चादर वाले हमारे पर पर्दे डाल दे हमें मुस्तियार में शामिल फरमा दे इबाद साल में शामिल फ़रमा दे एल्ला हज़रत महम्मद सल्ला वम्म ने हमारे लिए बहुत क़ुरबानियाँ दी हैं अल्लाह उन पर बेहतरीन रहमत फरमा जब तक सूरज उगता रहे आप पर रहमत नाजुल फ़रमा जब तक हवाएँ चलती रहें आप पर रहमत नाजुल फरमा जब तक ज़मीन दाना उगाती रहें आप पर रहमत नाजुलफ़रमा जब तक अल्लाह समंदरों में पानी बाकी रहे आप पर रहमत नाजिल फरमा और तेरी शायर शान रहमत नाजिल फरमा एल्ला मजमा जितना आमीन कह रहा है किसी के बाप का इंतकाल हो चुका है किसी के माँ का इंतकाल हो चुका है किसी के माँ और बाप दोनों का इंतकाल हो चुका है किसी का प्यारे शोहर का इंतकाल हो चुका है किसी के प्यारी बीवी का इंतकाल हो चुका है वो कब्रों में इंतज़ार में है कि कोई हमारे लिए भी दुआ करता है कि नहीं करता अल्लाह इन सब के कब्रों को तो नूर तू नूरसम फरमा उनके दर्जात को बलन फरमा करवट आराम नसीब फरमा उनके हड्डी हड्डी को जन्नत नसीब फरमा जितने मुसलमान दुनिया भर में इस्लाम के हालत में दुनिया से रख्सत हो गए हों उनके लिए भी यही दुआएं कबूल फरमा अल्लाह हमें मांगना नहीं आता मगर तुझे देना तो आता है अपने कर्म से तो हमें अता फरमा अपने फ़ल से अता फ़रमा एल्ला मेरी तश्कील पर जो रोज़ाना शुरस का वजीफा करती रहे या करता रहे चाहे तीन सौ तेरह मरतबा पढ़े चाहे हज़ार मरतबा पढ़े चाहे दो हज़ार मरतबा पढ़े चाहे पाँच लाख का कोटा पूरा करे जो भी करे सुरे का वज़ीफ़ा मेरी तश्क़ील पर जो करे, अल्लाह उसकी सारी दुआओं को कबूल फरमा उसके सारे हाजतों फुल उसके का तो गैब से तकफुल फरमा उसके सारी ज़रूरतों का तो गैब से तकफुल फरमा अल्लाह जिसने भी मुझसे दुआओं के लिए कहा हो दुआओं के लिए खतूत में लिखा हो या जिसका मुझ पर किसी किस्म का हक और एहसान हो या जो मुझे अपनी दुआओं में याद करते रहते हो या मैं बहले मुझे अपनी दुआओं में याद करती रहती हूँ हमारी सारी दुआओं में उनका पूरा पूरा हिस्सा नसीब फरमा मेरे सारे काम में उनको तो पार्टनर बना दे अल्लाह वो मेरे रूहानी पार्टनर हैं जो मेरे लिए दुआ करे वो मेरा रूहानी पार्टनर है मेरे कुरान के तर्जुमे में उसकी पार्टनरशिप मोमिन के हथियार में उसकी पार्टनरशिप आज के समय में उसकी पार्टनरशिप जो भी दिन का काम करूँ उसमें उनको तो पार्टनर बना दे सिर्फ मेरी ज़रूरत यह है वो मेरे लिए तेरे सामने हाथ फैलाते रहें और मेरे लिए दुआ करें एल्ला दोनों जहाँ के सुरखरुई का मामला फरमा अल्लाह हमारे मुल्क में हिदायत की हवाओं को चला दे बिरादरान वतन के हिदायत के फैसले फरमा बिरादरान वतन के हिदायत के फैसले फरमा हाजियों के काफिले हज की तरफ जा रहे हैं उनके सफरों को बहुत आसान फरमा अल्लाह उनका हज मबरूर अता फ़रमा साय अता फरमा जिसके दिल में तमन्नाएं हों उनको दोनों चौखटों का नूर अता फरमा हमारे सूरत में आने को कबूल फरमा यहाँ से जाने को कबूल फरमा यहाँ के कयाम को कबूल फरमा सूरत के एक एक बच्चे बच्चे को कबूल फरमा ले एक, एक मर्द और औरत और कबूल फरमा ले एल्ला जिसके दिल में जायज़ मुरादे हों आप जानते हैं आपके बंदे बंदी या जानती हैं आफियत से उन सब की जायज़ मुरादों को पूरी फरमा कर उसमें खैर के शक्ल और सूरत पैदा फरमा अल्लाह ये तेरे दरबार में हम फकीर बन कर आए हैं भिखारी बनकर आए हैं अगर आपने दे दिया आप कादर मुतलक है और अगर आपने धक्का मार के निकाल दिया फिर भी हम लौट कर तेरे दरवाजे पर आएंगे, तेरे चौखट पर आएंगे। इसलिए कि तेरे दरवाज़े से हमें बहुत कुछ मिला है अल्लाह हमें खाली हाथ वापस न लौटा करीम जो होता है वो खाली हाथ वापस नहीं लौटाता अगर आपने हमारा नाम सईद और नेक बखतू में लिखा हो तो हमारा नाम उन्हीं में लिखे रखी हो और अगर आपने हमारा नाम शक्की और बदबखतू में लिखा हो तो हमारा नाम उनकी फहरिस्त से मिटा देना और नेक लोगों की फहरस्त में हमारा नाम लिख लेना लिखना भी आपका काम है मिटाना भी आपका काम है लोह क़लम भी आपके पास है और अल्लाह अपने फ़त्ल करम से जो मांगा वह अता फरमा मांगने से रह गया वह अता फरमा हज़रत मोहम्मद सल्ला वम ने जितने खैर किलैन की दुआएँ मांगी हैं वो सारी हमारे लिए कबूल फरमा और जिन शुरू से पना चाहिए हो उन शुरू से तो हमारी हिफाजत फरमा ए इस मजलिस के फरिश्तो इस मजलिस के फरिश्तो ए सूरत के इस मजलिस के फरिश्तो हमारा रब हमसे रूठा हुआ है हमारे रूठे रब को हमसे मनवा दो अल्लाह जो अभी समत से राजी हो जा अभी सम्मत से राजी हो जा कब तक ये उम्मत बर्दाश्त करेगी मामूली मामूली बहानों पर इस उम्मत को मारा जाता है हमारे पास तेरा सहारे के अलावा कोई सहारा नहीं है सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं सिर्फ़ तेरा दरवाज़ा खुला हुआ है अल्लाह अपने दरवाज़े को हम पर तो कुशादा फरमा और तेरी रहमत की चादर में हमें ढाँप ले हमें तकवे का लिबास पहना दे हमें आफियत का लिबास पहना दे हमें सेहत का लिबास पहना दे हमें जोहत का लिबास पहना दे और हमारी आँखों में तेरी मोहब्बत का सुरमा लगा दे और हमारे दिल के महराबों में तेरी मारिफत का नूर कूट कूट के भर दे और हमारे दीन के सूरज को तो उरुज़ नसीब फरमा एल्ला कुरान की जितनी दुआएं हैं वो सब हमारे लिए कबूल फरमा हदीस की जितनी दुआएं हैं तो सब सबको हमारे लिए कबूल फरमा और अपने फजलोक्रम से हमारी सारी दुआओं को कबूल फरमा और हम सब को तो कल्ब सलीम अता फ़रमा हम सब को तो कल्ब सलीम अता फ़रमा यहाँ तूने ने जमा किया है जन्नतफरदोस में तेरे नबी व पड़ोस में हमारी क़्यामत तक के आने वाली नस्लों के साथ तो हम सबको जमा फरमा दे और पूरे सूरत वालों को तो कबूल फरमा अपने फ़त्ल करम से हमारी दुआओं को कबूल फरमा सुबह न रब करब्ज़त अम्माए से फून वसलाम रब्बिल रबालमी